हाय फ्रेंड्स, नमस्ते। राम राम सा मिनल्स किचन एंड मोर में आपका स्वागत है। आज हम महाराष्ट्र की स्पेशल डिश बनाने जा रहे हैं, जो नाश्ते की डिश है। जनरली इसको नाश्ते में बनाया जाता है। ये दिखने में जितनी अट्रैक्टिव है, खाने में उतनी ही टेस्टी और बनाने में उतनी ही आसान है। तो चलिए बनाते हैं दड़पे पोहे। दड़पे पोहे बनाने के लिए यहाँ पर हमने पोहे लिए हैं 1 कप जितने, और यहाँ पर मैंने थोड़े से थिक पोहे लिए हैं। आप चाहो तो पतले पोहे भी ले सकते हो, पर उसमें जब हम पानी स्प्रिंकल करते हैं तो वो स्टिकी हो जाते हैं, इसलिए मैंने थिक पोहे यहाँ पर लिए। और उस पर थोड़ा थोड़ा पानी स्प्रिंकल करेंगे इस तरह से, और उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ज़्यादा पानी मिक्स नहीं करना है इसमें, सिर्फ पोहे पूरे गीले होने चाहिए थोड़े से, ये देखिए इस तरह से। और इसी तरह से पानी मिक्स करके अब हम इसको थोड़ी देर के लिए रख लेंगे, जब तक हम दूसरी प्रिपरेशन करेंगे। यहाँ पर मैं दूसरा बोल लूंगी, उसमें मैं ऑनियन डालूंगी बारीक कटे हुए, 1 प्याज लिया है, साथ ही हरी मिर्च ली है 2, उसको एकदम बारीक काट लिया है, और साथ ही धनिया पत्ता और नमक। नमक को हम पोहे के हिसाब से लेंगे, और साथ ही थोड़ी सी शुगर, यहाँ पर 1/2 टेबल स्पून लिया, आप चाहो तो थोड़ी ज़्यादा भी ले सकते हैं। और यहाँ पर नींबू, यहाँ पर पूरा मैंने 1 नींबू निचोड़ा है। अब इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे प्रेस करते हुए, ताकि नमक और ऑनियन दोनों मिक्स होते तो उसमें से पानी निकलता है। और इसको हम 5 मिनट के लिए रेस्ट पर रख देंगे, इसको साइड में छोड़ देंगे, और तब तक हम तैयार करेंगे तड़का। ये थोड़ा सा मैसी प्रोसेस है, बट इट टेस्ट रियली गुड। तो तड़के के लिए यहाँ पर मैं ऑयल लूंगी 1 टेबल स्पून जितना, आप कोई भी ऑयल यूज कर सकते हो। साथ ही इसमें डालेंगे राई 1/2 टेबल स्पून, और जब ये तड़कने लगे तब हम इसमें डालेंगे जीरा 1/2 टेबल स्पून, कड़ी पत्ता डालेंगे 7 से 8, और उसके बाद हम इसमें डालेंगे मूंगफली के दाने। तो अब मूंगफली के दानों को हल्का सा गोल्डन ब्राउन या फिर थोड़ा सा उसका कलर चेंज होता है, थोड़ा क्रिस्पी होता है, तब तक उसको पकाएंगे, और फिर हम उसको मिक्सचर में डाल देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद जो पोहे हमने सोक करके रखे थे थोड़े से पानी में, उसको इसमें मिक्स कर देंगे। ये देखिए एक एक दाना कितना अच्छे से अलग और फूला हुआ लग रहा है। और इसको इसमें डाल के हम चम्मच से नहीं हिलाएंगे, इसको भी हाथ से अच्छे से मिक्स करेंगे, जैसे हम आटा बांधते हैं उसी तरह से, एकदम ज़्यादा प्रेस नहीं, पर उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है, ताकि जो ऑनियन का पानी निकला है वो भी इसमें आ जाए, पूरा अच्छे से समा जाए। तो ये हमारे दड़पे पोहे एकदम तैयार है खाने के लिए। इसको अच्छे से सर्व कीजिए, ऑन द स्पॉट और झटपट रेसिपी बन जाती है ये हमारी, और बच्चों को भी पसंद आएगी और बड़ों को भी पसंद आएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको क्विकली बना के सर्व करेंगे। इसको गार्निश करने के लिए आप उस पर थोड़े से धनिया पत्ता स्प्रिंकल कर सकते हो, और सुबह का नाश्ता हमारा तैयार है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए वीडियो को, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को,